हिमाचल के ऊर्जा मंत्री कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कई नेता कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसके चलते सूबे में खलबली मची हुई है। कोरोना संक्रमण से कैसे बचा जाए, इस बात का पाठ पढ़ाने वाले खुद कोरोना ग्रसित नजर आ रहे हैं, तो कुछ नेता खुद क्वारंटीन हो चुके हैं। शायद नेता यह समझते हैं कि वे सभी कोरोना प्रूफ हैं और बीआईपी लोगों को कोरोना कुछ नहीं कहेगा, जिसका नतीजा सभी के सामने है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल नियमों को ताक पर रखकर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता अपने नेताओं के स्वागत में होश खो बैठे हैं, जिसका परिणाम सभी भुगत रहे हैं। जहां एक ओर प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के साथ कोरोना आ रहा है, वहीं अब राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी इस कोरोना को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। स्थिति बिगड़ते देख अब जनता ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है और उन्होंने राजनेताओं को नसीहत दी है कि वे सभी तरह के कार्यक्रम ऑनलाइन करें, अन्यथा कोरोना हिमाचल में नियंत्रण से बाहर हो सकता है। सोलन वासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि राजनेता जो जनता को राह दिखाते हैं, वे खुद आज पथभ्रष्ट हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री ये निर्देश दे रहे हैं कि घरों से कम निकलें और बेहद जरूरी काम है तभी बाजार में आएं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के नेता एक जिले से दूसरे जिले में जाकर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जब बड़े नेता शहर में आते हैं तो उनके समर्थनों की भीड़ जुटनी भी तय है, इसलिए उन्हें चाहिए कि वे अपने घरों में रहें और जो भी कार्य करना है ऑनलाइन करें, ताकि कोरोना का संक्रमण किसी भी सूरत में ना फैल सके। एक तरफ सरकार विज्ञापनों द्वारा लोगों को ये बता रहे हैं सोशल जो है डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, दो गज की जो दूरी है ये बेहद जरूरी है, तो इस तरह का जो रैलियां या पब्लिक मीटिंग्स होना, ये कहीं ना कहीं अपने आप से तो खिलवाड़ है और दूसरे को भी जान जोखिम में डालने की तैयारी होती है। आज हमारे बड़े बड़े राजनेता, आज हमारे बड़े बड़े बंधु जो इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, ये कहीं ना कहीं लापरवाही है और उस लापरवाही को आगे ना बढ़ाया जाए। ये अगर आप 14 जून की हमारे मुख्यमंत्री की रैली देखें, उन्होंने उसमें विजुअल रैली में अपने ये बोला था अपने कार्यकर्ताओं को कि आप सोशल डिस्टेंस बनाएं, अपने मिनिस्टर्स को भी ये बात कही थी कि सोशल डिस्टेंस बनाएं और जितनी भी रैलीज़ करनी है आप वर्चुअल करें, क्योंकि मैन टू मैन जब भी रैली होगी किसको, क्योंकि हमारे यहाँ जो है टेस्टिंग की स्पीड उतनी नहीं है जो एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स है। स्टेट गवर्नमेंट की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने मंत्रियों संतरियों को, अपने पदाधिकारियों को वो ये रिक्वेस्ट करें कि इस समय आप सोशल रैलीज करने की जगह जाके लोगों के साथ इकट्ठे होकर भीड़ इकट्ठी करने की जगह आप जो है वर्चुअल रैलीज पे जाएं और लोगों की समस्याओं को आप एक पोर्टल बनाएं जहां पर लोगों की सारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं वहां एड्रेस हों। लेकिन ऐसी सोच सरकार की नहीं है, इवन ओपोजिशन पार्टीज़ को भी ले लीजिए, यहां ओपोजिशन पार्टीज़ के भी दो बड़े नेता आए हैं, उन्होंने इकट्ठे बैठ के हिमानी रिसॉर्ट्स में इतने सब लोगों ने इकट्ठे बैठ के रैलीज कर दी हैं। अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता किसी आदमी को वहाँ पर इन्फेक्टेड होता तो वो सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाते। तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है देश के जो प्रदेश के जो नेता हैं, जो ओपोजिशन नेता हैं, वो खुद एक उदाहरण पेश करें जिससे आम जनता को ये समझ आए। इससे अच्छा उदाहरण तो हमारे देश की प्रदेश की जनता दे रही है जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया हुआ है, और वो आप मार्केट के हालात देख ही रहे हैं कि मार्केट में जो बिजनेस है रिड्यूस हो गया 20% हो गया है। समय आपके पास पॉलिटिकल स्कोर करने के लिए अगले 3-4 साल हैं, लेकिन अभी जो है सिचुएशन बड़ी बैड है। आप कृपा करके, मैं सब पॉलिटिकल पार्टीज के महारथियों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप अभी जो है इस टाइप की रैलीज ना करिए जिससे संक्रमण फैलने की गति और ना बढ़ाएं। आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एक तरफ तो लोगों को अपने विचार रख रहे हैं कि जी आप मास्क पहने, आप सैनिटाइजर यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, खुद वो इस बात को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हम रोज़ाना ये टीवी चैनल्स और अन्य माध्यम से ये देख रहे हैं, जो भी अपना टीवी और अन्य वो चैनल्स हैं उस पर देख रहे हैं कि जो नेता लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं और उससे ज़्यादातर जो है वो कोरोना ये फैलने का डर हो भी रहा है और कोरोना ग्रसित हो भी रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये जो मीटिंग वगैरह ये डिजिटल माध्यम से की जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसको कोरोना महामारी को फैलने से हम रोक सकते हैं। आप जितनी मर्जी दूरी बनाने की कोशिश करें, जब कोई नेता या कोई भी आता है तो वहाँ पर ये बहुत कम ही सोशल डिस्टेंसिंग देखी जाती है, और आपको नतीजे आपके सामने हैं। कई मुख्यमंत्री, गृह मंत्री इसकी